रहीम, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स को पढ़ लिया था। हमने ये कहा था कि जो एट्रोपिन होती है एंटी स्पास्मोटिक ड्रग और गैनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटी सिक्रेटरी और ट्रीट ब्रैडिकार्डिया, जबकि स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस को यूज़ करने के लिए। लास्ट में एक्लिडिनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट और इप्राट्रोपियम और डियोट्रोपियम, ये इस्तेमाल होती थी COPD के लिए, जिसमें इप्राट्रोपियम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट था। तो अब हम कवर करेंगे बाकी एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे ट्रोपिसेमाइड और साइक्लोपेंटोलेट। जब हम एट्रोपिन की ऑप्थैल्मिक यूज़ को पढ़े थे तो हमने कहा था कि एट्रोपिन मिट्रियासिस और इसके साथ साथ साइक्लोपिरिजिया पास करती है, लेकिन एट्रोपिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि 7 से लेकर 14 डेज। तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम ट्रोपिकेमाइड और हम यूज़ करते हैं साइक्लोपेंटोलेट। ठीक हो गया, तो इनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। स्पेसिफिकली ट्रोपिकेमाइड का होता है 6 आवर्स और साइक्लोपेंटोलेट का होता है 24 आवर्स। अब इसके बाद बात करते हैं बेंजोट्रोपिन की और ट्राईहेक्सीफिनिडाइल की। तो ये जो ड्रग्स होती है ये पार्किंसन डिजीज़ के अंदर यूज़ होती है। मैंने आपको कहा था कि जो पार्किंसन डिजीज़ है इसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कम हो जाएंगे तो फिर हमें स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स या एसिटाइलकोलिन वाले न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट कराना पड़ेगा। तो फिर एसिटाइलकोलिन वाले न्यूरॉन्स को इनहिबिट करने के लिए हम ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफिनिडाइल। ये पार्किंसन डिजीज़ का यूज़ करती है, इसके साथ साथ एंटीसाइकोटिक डिजीज़ जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम कॉज करती है उसको भी हम ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद लास्ट में ऑक्सीब्यूटानेट और दूसरी एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पड़े होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि M1, M2, M3 होते हैं। जो M1 होते हैं ये आपको गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, M2 वाले हार्ट के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर, और M3 होते हैं ब्लेडर के ऊपर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, और ये भी कुछ स्मूथ मसल के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो फिर इनके जो दूसरी ड्रग्स हैं ऑक्सीब्यूटानिन, डायरीफिनासिन और प्रिंजापिन, इनके फंक्शन क्या होते हैं? इनके होते हैं सिलेक्टिव रिसेप्टर को ब्लॉक करना। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मस्क्रेनिक M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जो ब्लेडर के ऊपर पड़े होते हैं, तो फिर इंट्रावेजिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, ब्लेडर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो एंटी मस्क्रेनिक एक्शंस होते हैं GIT के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, जैसे GIT के अंदर एंटी स्पास्मोटिक करवा देना, स्लाइवरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कम कर देना, CNS के अंदर सेडेशन कॉज कर देना, एमनीजिया, तो ये सारे हमें दूसरे एडवर्स साइन सिम्पटम देखने को मिलते हैं। जो इसमें डायरीफिनासिन अपन जो याद रखनी है, डायरीफिनासिन और सोलीफिनासिन, ये स्पेसिफिक होती है M3 रिसेप्टर के लिए। ठीक है, ये M3 के लिए, और जो बाकी जो रिमेनिंग है जैसे ऑक्सीब्यूटानिन, ट्रोस्पियम, ठीक है, और टोलटीरोडीन, ये सारी होती है नॉन सेलेक्टिव, लेकिन जो M3 के लिए जो स्पेसिफिक होती है वो होती है डायरीफिनासिन और सोलीफिनासिन। ठीक हो गया। चूंकि ये M3 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है और M3 का आपको देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो ये ड्रग्स होती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह जो ऑक्सीब्यूटानिन है ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से ब्लैडर के लिए? न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए, क्योंकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर ब्लैडर की टोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब आगे है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एलिमिनेशन क्या है। तो तमाम जो एजेंट्स देते हैं वो ओरल फॉर्म में देते हैं। ठीक हो गया, सबकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं जो ऑक्सीब्यूटानिन होता है वो ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में भी दिया जाता है, यहाँ पर टॉपिकल जेल की फॉर्म में भी दिया जाता है। इनको मेटाबोलाइज कराने वाला साइटोक्रोम P450 का एंजाइम सेट होता है। ठीक हो गया। इनकी एडवर्स इफेक्ट क्या होगी? एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल वही होगी जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, कि जीरोस्टोमिया हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लड बिलियन हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको यूरिनरी रिटेंशन, मिल्ट्रियासिस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स। अब है गए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स या एंटी निकोटिनिक, क्योंकि आपको जो एंटी निकोटिनिक होते हैं वो गैंग्लिया को भी ब्लॉक कर लेते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर को भी ब्लॉक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर आपको गैंग्लिया के ऊपर भी देखने को मिलते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर या मोटर एंड प्लेट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो पहले हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं NN और यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं NM। ठीक है, तो हम पहले हम NN की ब्लॉकिंग को देख लेते हैं। ठीक हो गया। जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं स्पेसिफिकली ऐसे निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर पड़े होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों के ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पड़े होते हैं। ठीक हो गया, दोनों, यानी इसका मतलब आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनएक्टिवेशन भी देखने को मिलेगी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनएक्टिवेशन भी देखने को मिलेगी, दोनों के दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी पूरी की पूरी जो आउटपुट होती है वहाँ पर जो गैंग्लिया के अराउंड होती है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इनके यहाँ पर पहली जो ड्रग है वो है निकोटीन। जो निकोटीन एक पॉइजन होता है जो सिगरेट से ड्राइव किया जाता है, इसका कोई थेरापेटिक बेनिफिट नहीं है और हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीटेरियस है। जो निकोटीन होती है
वो नॉर्मली ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को डिपोलराइज कर देती है। शुरू में तो स्टिमुलेशन होती है लेकिन बाद में पैरालिसिस होना शुरू हो जाती है। सेम इज द केस फॉर डिपोलराइजिंग नर्व ब्लॉक, यानी एक जो स्टिमुलेटिंग एजेंट शुरू में तो स्टिमुलेट करेगा लेकिन वो बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ सेंस करना छोड़ देगी, वो चीज़ इनएक्टिव स्टेट के अंदर चली जाएगी, वो पैरालिसिस के अंदर चली जाएगी। इस तरह यहाँ पर जो सक्सिनाइलकोलिन है, सक्सिनाइलकोलिन डिपोलराइजिंग एजेंट है। सक्सिनाइलकोलिन भी निकोटिनिक रिसेप्टर जाके बाइंड करती है लेकिन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन शुरू में तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है लेकिन बाद में जो रिसेप्टर की इनएक्टिवेशन हमें देखने को मिलती है, शुरू में तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है लेकिन बाद में स्केलेटल मसल स्ट्रक हो जाता है डीपोलराइजेशन के अंदर, फिर भी वो मजीद वो सेंस नहीं कर पाता, वो मजीद रीपोलराइज होकर मजीद डीपोलराइज नहीं हो सकता। तो शुरू में तो आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, बाद में आपको पैरालिसिस देखने को मिलती है। सेम इज द केस फॉर निकोटीन, अगर निकोटीन अगर ज्यादा दे देते हैं तो शुरू में तो वो स्टिमुलेशन करवाएगी लेकिन इसके साथ साथ वो पैरालिसिस करवा देगी, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होंगे वो मजीद सेंस करना छोड़ देंगे, वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस देखने को मिलती है गैंग्लिया की। तो जो क्लासिकल जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है वो है निकोटीन, कि शुरू में तो लगता है कि ऐसा लगता है कि निकोटीन तो स्टिमुलेट करती है लेकिन निकोटीन स्टिमुलेट करने के बाद पैरालिसिस करवा देती है। ठीक हो गया। अब जो न्यूरोकेमिकल इफेक्ट क्या होते हैं, न्यूरोकेमिकल इफेक्ट निकोटीन के डिपेंड करते हैं कि इसने किस न्यूरोट्रांसमीटर को के रिलीज को बढ़ा दिया है। अगर डोपामिन के रिलीज को बढ़ा दिया तो डोपामिन हमारे जो ब्रेन के अंदर इस कंडीशन के अंदर रिलीज होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे एडिक्शन के अंदर, ठीक है, तो जैसे प्लेयर के अंदर और एपिटाइट सप्रेशन के अंदर के बंदे को सेटिस्फाई कर देना। नोरएपिनेफ्रिन इसका मेन फंक्शन होता है कि अराउजल के अंदर, ठीक है, एसिटाइलकोलिन ये भी अराउजल के अंदर, ग्लूटामेट होता है लर्निंग के लिए और मेमोरी की पावर को बढ़ाने के लिए, सीरोटोनिन हमारी मूड को कंट्रोल करता है, बीटा एंडोर्फिन या एनजाइटी को टेंशन को रिलीव कर देते हैं, एंड एनाल्जेसिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि गाबा भी एनजाइटी और टेंशन को खत्म कर देता है। तो ये तो हो गया गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। अब इसके बाद है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यानी ये ऐसे ब्लॉकर्स हो गए जो NM रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो स्केलेटल मोटर एंड प्लेट के ऊपर पड़ी हुई होगी। अब इनके दो टाइप होगी, एक होगी डीपोलराइजिंग और दूसरी नॉन डीपोलराइजिंग। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होगी जो स्केलेटल मसल की शुरू में डीपोलराइजेशन करवा देंगे लेकिन स्केलेटल मसल फिर आगे डीपोलराइजेशन फेज के अंदर स्ट्रक हो जाएगा तो वो मजीद सेंस करना छोड़ देगा। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो स्केलेटल मसल को डीपोलराइज होने ही नहीं देती, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो स्केलेटल मसल को डीपोलराइजिंग से निकलने नहीं देती। तो जो निकलने नहीं देगी वो डीपोलराइजिंग ड्रग्स होगी, और जो डीपोलराइजेशन के अंदर जाने नहीं देगी वो होगी एंटागोनिस्ट या नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स। तो नॉन डीपोलराइजिंग या कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर के अंदर हम पढ़ते हैं क्यूरारीन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबाक्यूरारीन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आपको देखने को मिलती है या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देखने को मिलती है, या एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देती है, या सर में कॉम्पीट करते हैं एसिटाइलकोलिन के साथ लेकिन उसको स्टिमुलेट नहीं करते होते। अगर लो डोज देते हैं तो लो डोज देने का मकसद यह होता है कि अगर इनके एक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर, जिस तरह न्यूस्टिग्मिन एड्रोफोनियम, ठीक हो गया, जैसे एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन को या कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम डोज बढ़ा देते हैं तो डोज बढ़ा देने की वजह से ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इतना कमजोर कर देगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर ये भी किसी काम के नहीं होंगे। तो लो डोज के अंदर हम इनके एक्शन को ओवरकम कर सकते हैं लेकिन हाई डोज के अंदर इनके एक्शन को ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब इनके एक्शन क्या होते हैं, कि जो हमारे स्मॉल रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, जैसे फेस के होते हैं और आई के मसल होते हैं, ये सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, उनकी पैरालिसिस सबसे पहले होती है, इसके बाद फिंगर की, लिम्स की, ट्रंक की, और लास्ट में इंटरकोस्टल की और डायफ्राम की। अगर डायफ्राम की हो जाए तो फिर आपको डेथ देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब आपने ड्रग को किस तरह देना है, हाफ लाइफ क्या होगी, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, एलिमिनेशन किस तरह से होगी। तो ये इंट्रावेनसली दिए जाते हैं, कभी कभार इंट्रामस्कुलरली, और इनके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्वार्टरनरी अमाइंस होते हैं। अब क्वार्टरनरी अमाइंस होगी तो इनकी अब्जॉर्प्शन भी काफ़ी कम से कम होगी और CNS को भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, CNS के अंदर नहीं आ पाएगी। अब इसके अंदर जो पैन क्यूरोनियम है ये यूरिन के अंदर एज इट इज़ फॉर्म में रिलीज हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, जबकि सिज़ाट्रोकोलियम ये वाली ऑर्गन डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म के जरिए जाती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, लोडेनोसिन के अंदर, जबकि विक्रोनियम और रुक्रोनियम इनकी लीवर के अंदर डीएसिटाइलेशन हो जाती है, फिर इसी फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस तरह से यह हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट्स या ऐसी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो इनहिबिशन करवा देती है वाया डीपोलराइजेशन। अब इनका मैकेनिज्म आपने समझना है। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपको फेज वन देखने को मिलता है। ये ड्रग्स शुरू में तो मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन करवा देती है, तो शुरू में तो हमें स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, बाद में आपको फ्लैसिड पैरालिसिस। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया, रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाना, तो रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया। जब रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया मतलब जो सोडियम चैनल थे डीपोलराइजेशन वाले वो या तो क्लोज हो गया या फिर वो ब्लॉक होना शुरू हो गया। जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपका जो स्केलेटल मसल का
मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा तो फिर डीपोलराइजेशन को मजीद स्टिमुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ड्रग्स इनिशियली तो डीपोलराइजेशन कास्ट करती है, लेकिन इसके साथ साथ रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन करवा के इसके बाद रीपोलराइजेशन करवा के डीपोलराइजेशन को रेजिस्टेंट कर देती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये सक्सिनाइल कोलिन और दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है या डीपोलराइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इनके थेरापेटिक यूजेस क्या है? क्योंकि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है तो फिर ये एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे अगर हमने कोई ट्यूब डालनी हो ट्रैकिया के जरिए, ठीक हो गया, तो फिर हमने स्केलेटल मसल के टोन को हमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है, फेरिंग्स के मसल के टोन को। ठीक हो गया। तो ये इसमें यूज़ होती है। अब इनके दूसरे एक्शंस क्या होते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपरथर्मिया भी कॉज कर सकती है, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी। इसके साथ साथ एपनिया भी कॉज कर सकती है क्योंकि डायफ्राम की पैरालिसिस भी हो सकती है, हाइपरकलेमिया भी, क्योंकि ये जो सक्सिनाइल कोलिन होती है ये इंट्रा सेलुलर स्टोर से पोटेशियम की रिलीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक हो गया। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पहले से टिश्यू डैमेज है, हाइपरकलेमिया पहले से है, तो उनके अंदर सक्सिनाइल कोलिन हम नहीं देते। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ड्यूरिंग एन ऑप्थेल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर सर्जन वांटेड टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल। प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कराना है उसने मियोटिक ड्रग के जरिए, यानी उसने पैरासिम्पैथो में मिमेटिक ड्रग इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसने एक्सीडेंटली ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर ली जिसने प्यूपल की डायलेशन करवा दी, मिडरेसिस करवा दी। अब वो कौन सी ड्रग हो सकती है? तो ये ड्रग होगी ट्रोपिक एमाइड। अब जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन आपको पता है पैरासिम्पैथो में मिमेटिक है, पाइलोकैरिपिन ये भी है। ठीक है। जो ये जो ए बी डी है तीनों मस्क्रीनिक एगोनिस्ट होती है, एसिटाइल कोलिन पाइलोकैरिपिन बिथिनाकोल। ठीक हो गया। जो सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के जो इसकी मियोसिस करवा देगी। ठीक है। मियोसिस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक ही ड्रग है जो मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है, वह है ट्रोपिकेमाइड। इसके बाद है सेरिन। सेरिन इज अ नर्व गैस डेट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर। कौन सा एजेंट इसको ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो वो होता है एट्रोपिन। हमने कहा था कि एट्रोपिन होती है विनी के एक्शन को ब्लॉक कर सकती है, और जो सेरिन था ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर था। ठीक है। और वो इसका मेन फंक्शन क्या था? इसका मेन फंक्शन क्या ये था कि ये कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देना, कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देना। तो फिर जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, बाकी जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ए बी डी, तो वो कंडीशन को मजीद खराब कर देगी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, अल्जाइमर डिजीज के अंदर, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज के अंदर जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट चाहिए ओवर एक्टिव ब्लैडर के खिलाफ, तो फिर कौन से ड्रग्स वहाँ करनी चाहिए? तो ड्रग्स होती है वो होती है ट्रोस्पियम। ठीक है, ट्रोस्पियम। अब क्योंकि जो ट्रोस्पियम है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके अंदर क्वार्टरनरी अमाइन देखने को मिलता है, बाकी ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, तो फिर ये बेस्ट चॉइस होगा ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। इसके बाद है 5.4 के अ पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब एज बीटा 2 एगोनिस्ट फॉर एक्यूट रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पास्म बट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। अब कौन से ड्रग हमें देनी चाहिए उसके साथ साथ? तो हमें यही पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर देनी चाहिए, तो उसका मेन ऑप्शन होगा ये वाला इप्राट्रोपियम। ठीक होगा, क्योंकि जो मेजर रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंकियल टिश्यू के अंदर वो होते हैं मस्क्रीनिक। ठीक है, और मस्क्रीनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होती है, और बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से ब्रोंको डायलेशन होती है। तो आप फाइसोस्टिग्मिन आप दे नहीं सकता क्योंकि ये मस्क्रीनिक एगोनिस्ट होती है। ऑक्सीबिटानिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। जो बेंजोट्रोपिन होती है ये इस्तेमाल होती है पार्किंसन डिजीज और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम फ्रॉम एंटीसाइकोटिक। तो आपका मेन ऑप्शन आ गया इप्राट्रोपियम। अब 5.5 क्या 50 ईयर ओल्ड मेल हु इज नॉन कंप्लाइंट विद मेडिकेशन वाज रिसेंटली डायग्नोज सीओपीडी। तो सीओपीडी हो गया, एक इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक डोज देनी है, तो वह कौन सी ड्रग होगी? तो उसका मेन ऑप्शन होगा टियोट्रोपियम। कौन सी? टियोट्रोपियम। टियोट्रोपियम यह है लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट। ठीक हो गया, लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक, जबकि इप्राट्रोपियम ये शॉर्ट एक्टिंग ये वाली है, जबकि जो एट्रोपिन और ट्रोस्पियम होती है ये मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट होती है, लेकिन ये पल्मोनरी कंडीशन के लिए नहीं दी जाती। ठीक हो गया, क्योंकि इनहेलेशन फॉर्म में आप इसको नहीं दे सकते। इसके बाद है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। तो आपको बताया था वो कौन सी ड्रग होती है, वह स्कोपोलामीन। ठीक है, वह स्कोपोल अमीन, लेकिन स्कोपोलामीन बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव एंटी मोशन सिकनेस ड्रग होती है, ट्रांस डर्मल पैच की फॉर्म में दी जाती है। 5.7 विच इज द करेक्ट रिगार्डिंग गैंग्रियोनिक ब्लॉकर। गैंग्रियोनिक ब्लॉकर की वजह से अगर हमें सिंपैथेटिक गैंग्लिया की ब्लॉकिंग देखने को मिले तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक की ब्लॉकिंग की वजह से हार्ट रेट कम हो जाए, तो अगर पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दिया तो फिर हार्ट रेट को बढ़ना चाहिए। निकोटीन इज नॉन डीपोलराइजिंग गैंग्रियोनिक ब्लॉकर, तो निकोटीन डीपोलराइजिंग
आप कह सकते हो गैंगलियोनिक ब्लॉकर है, जबकि एट्रोपिन क्या है, ये मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट होती है, इसका कोई निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्शन नहीं होता, इसको मेन एक्शन, तो इसका मेन तो आंसर होगा ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। आगे विच ऑफ द विच ड्रग इज यूजफुल इन क्रिएटिंग साइनस ब्रैडीकार्डिया, तो साइनस ब्रैडीकार्डिया को ठीक करने के लिए हमने पढ़ा था एट्रोपिन, ठीक है। अब इसके बाद 5.9 के आईसीयू पेशेंट है, सीवियर लंग इंजरी है, उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट चाहिए, ठीक है, उसको लीवर डिजीज भी और रीनल फेलियर भी है, तो कौन सी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ज़्यादा अच्छा रहेगी, तो इसके अंदर आप कह सकते हो ये वाली अल्फा वाली। अब इसका मेन रीज़न क्या है, अब बीटा वाली क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बीटा वाली ये किडनी से रिमूव होती है, रीनली एलिमिनेटेड होती है, और पेशेंट में पहले से रीनल फेलियर है, तो फिर ये ड्रग आगे कॉम्प्लिकेशन कास कर देगी, जबकि विक्रोनियम और विक्रोनियम ये लीवर से रिलीज होती है, लीवर से ही मेटाबोलाइज होती है, और पेशेंट का लीवर फेलियर है, तो इसकी वजह से इसको भी यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर ये वाली जो होती है, ये वाली पहली वाली ड्रग सिज़ेट्रोक्यूरियम, ये वाली ऑर्गन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म से होती है, जिसको बोलते हैं होफमैन एलिमिनेशन, ये हमने पढ़ना है जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये वाली बीटा वाली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये किडनी से एलिमिनेट होती है। चार्ली और डेल्टा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीवर से होती है। आगे वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू सी द फर्स्ट रिटर्न ऑफ फंक्शन स्केलेटल मसल फॉलोइंग डिस्कंटिन्यूएशन, तो सबसे पहले डायफ्राम रिटर्न होता है और सबसे आखिर में डायफ्राम ही इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये वाली तरतीब हमने यहाँ से देखी थी कि सबसे पहले छोटे छोटे मसल्स होते हैं फेस के और आइज़ के, फिर लास्ट में जाके डायफ्राम, और सही होने की बात होती है रिकवरी के अंदर, डायफ्राम सबसे पहले ठीक होता है, देन कम्स स्मॉल मसल्स ऑफ फेस एंड आई। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।